गणतंत्र देश विच हुई हिंसा मगरों अंदोलन दे विच फर्क पैना सुभाविक है। अजिहे विच सरकार भी यह चाहती है कि अंदोलन इसे तरह आपसी मतभेदां दे नाल ही कमजोर हुंदा हुंदा खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार खेती कानून रद्द करने लई तैयार नहीं अते किसान खेती कानून रद्द करवाए बिना पिछे हटने लई तैयार नहीं है। अजिहे विच किसान जथेबंदियां विच कई फुट सरकार नूं खूब रास आ सकदी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत विच हाईवे ते प्रदर्शन कर रहे किसान नूं हटाए जाने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात यूपी पुलिस ने इन्हां किसानों नूं इत्थों हटा दिता है। किसानों नूं हटाए जाने नूं लैके यूपी पुलिस ने नैशनल हाईवे अथॉरिटी के नोटिस का हवाला दिता है, जिस विच निर्माण गतिविधि विच देरी होने की गल कही गई है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने इस घटना से अपना प्रतिक्रम दिता है। उन्होंने शक जताया है कि लाल किले से जो बवाल होया है उस विच पीएमओ के करीबी बीजेपी लीडर का हाथ रहा है। सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि यह गूंज चल रही है शायद झूठी हो सकती है, या दुश्मनों की झूठी आईडी तो चलाई है कि पीएमओ के करीबी बीजेपी के एक मैंबर ने लाल किले से चल रहे ड्रामे में भड़काऊ व्यक्ति के तौर पर काम किया। गणतंत्र देश विच हुई हिंसा मगरों अंदोलन दे विच फर्क पैना सुभाविक है। अजिहे विच सरकार भी यह चाहती है कि अंदोलन इसे तरह आपसी मतभेदां दे नाल ही कमजोर हुंदा हुंदा खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार खेती कानून रद्द करने लई तैयार नहीं अते किसान खेती कानून रद्द करवाए बिना पिछे हटने लई तैयार नहीं है। अजिहे विच किसान जथेबंदियां विच कई फुट सरकार नूं खूब रास आ सकदी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत विच हाईवे ते प्रदर्शन कर रहे किसान नूं हटाए जाने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात यूपी पुलिस ने इन्हां किसानों नूं इत्थों हटा दिता है। किसानों नूं हटाए जाने नूं लैके यूपी पुलिस ने नैशनल हाईवे अथॉरिटी के नोटिस का हवाला दिता है, जिस विच निर्माण गतिविधि विच देरी होने की गल कही गई है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने इस घटना से अपना प्रतिक्रम दिता है। उन्होंने शक जताया है कि लाल किले से जो बवाल होया है उस विच पीएमओ के करीबी बीजेपी लीडर का हाथ रहा है। सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि यह गूंज चल रही है शायद झूठी हो सकती है, या दुश्मनों की झूठी आईडी तो चलाई है कि पीएमओ के करीबी बीजेपी के एक मैंबर ने लाल किले से चल रहे ड्रामे में भड़काऊ व्यक्ति के तौर पर काम किया। गणतंत्र देश विच हुई हिंसा मगरों अंदोलन दे विच फर्क पैना सुभाविक है। अजिहे विच सरकार भी यह चाहती है कि अंदोलन इसे तरह आपसी मतभेदां दे नाल ही कमजोर हुंदा हुंदा खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार खेती कानून रद्द करने लई तैयार नहीं अते किसान खेती कानून रद्द करवाए बिना पिछे हटने लई तैयार नहीं है। अजिहे विच किसान जथेबंदियां विच कई फुट सरकार नूं खूब रास आ सकदी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत विच हाईवे ते प्रदर्शन कर रहे किसान नूं हटाए जाने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात यूपी पुलिस ने इन्हां किसानों नूं इत्थों हटा दिता है। किसानों नूं हटाए जाने नूं लैके यूपी पुलिस ने नैशनल हाईवे अथॉरिटी के नोटिस का हवाला दिता है, जिस विच निर्माण गतिविधि विच देरी होने की गल कही गई है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने इस घटना से अपना प्रतिक्रम दिता है। उन्होंने शक जताया है कि लाल किले से जो बवाल होया है उस विच पीएमओ के करीबी बीजेपी लीडर का हाथ रहा है। सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि यह गूंज चल रही है शायद झूठी हो सकती है, या दुश्मनों की झूठी आईडी तो चलाई है कि पीएमओ के करीबी बीजेपी के एक मैंबर ने लाल किले से चल रहे ड्रामे में भड़काऊ व्यक्ति के तौर पर काम किया।